इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदमा। अहम खबरों पर एक नजर। सबसे पहले सुर्खियां। कल बेलगाम लोकसभा के लिए चुनाव, कौन बनेगा एमपी? महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला फडणवीस भी बेलगाम में रियासत में रात के कर्फ्यू पर, अभी कोई फैसला नहीं। इससे पहले अहम मौजू पर एक नज़र। रमजान का तीसरा रोजा जारी है, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद काफी बढ़ रही है, बाजार भी सजने लगे हैं। रमजान के रोजे मुसलमानों पर फर्ज किए गए, लिहाजा किसी हाल में रोजा रखना ही है, अगरचे कोई बीमार है और इतना बीमार है कि जान को खतरा हो सकता है, या फिर शुगर बीपी की बीमारी जिससे जान को नुकसान भी हो सकता है, ऐसा अंदेशा है, तो खैर उन लोगों के लिए माफ़ी हो सकती है। इसकी तमाम तफसीलात तो इल्मी माहिरीन ही बता सकते हैं, लेकिन जहां तक रोज़ा रखना ज़रूरी है और हर हाल में रखना है, पर क्या बात है कि आज भी मुसलमानों में एक बड़ा तबका रोज़ा नहीं रखता, छोटी मोटी बातों को बहाना बनाकर रोज़ा छोड़ दिया जाता है। इनके चेहरे पर किसी तरह की शर्म तक महसूस नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब, अगर सिर्फ आज के मुसलमानों का तज़्ज़िया किया जाए तो सवाल उठता है कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कौम पर अपनी रहमत बरसाए भी तो क्यों, किस बुनियाद पर आखिर बरसाए? अल्लाह ताला के तमाम नियामतों का लुत्फ उठाकर अल्लाह की नाफरमानी का कोई भी मौका नहीं छोड़ते तो ये आखिर जलील नहीं होगी तो क्या हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाक हो वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और इसकी कदर ना की। बेलगाम शहर में मैं देख रहा हूँ कि हजारों लोग हैं जो बिला किसी वजह के रमजान के रोजे नहीं रखते, और अगर नमाजी भी बड़े हैं तो कुछ फीसद ही इसमें इजाफा होता दिखता है। कहने का मतलब, मुसलमानों में दीनी बेजारी देखी जा सकती है, खासकर नौजवानों में, और नौजवान ही होते हैं जो किसी कौम का, किसी मिल्लत का मुस्तकबिल होते हैं। अगर कौम का बड़ा तबका बिला वजह अल्लाह की नाफरमानी खुलेआम कर रहा हो तो क्या इसका पीटना लाजिम नहीं है? फिर हम क्यों जालिम हुक्मरानों को जिम्मेदार ठहराएं? यकीनन हमने कौन सी कसर बाकी छोड़ी है? मुशरिक हुकूमतें मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती कर रही हैं, मुस्लिम मुखालफत के एजेंडे चलाए जा रहे हैं और वो जरूर चलाएंगे, पर तुम कहां अल्लाह के हुक्म पर कुछ फीसद इससे ही अमल कर रहे हो? पहले हम देखा करते थे कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी मस्जिदों में इफ्तारी करते थे, एक माहौल नजर आता था, अब वो माहौल भी कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। अगर जायजा लिया जाए तो छोटे बच्चे ही ज्यादा रोजे रखते हैं जिन पर रोजे फर्ज नहीं है, और तो और बिल्कुल मासूम बच्चों को जबरन रोजे रखने के लिए कहना भी गलत। बच्चों में शौक पैदा हो इसके लिए खाद, कम उम्र बच्चों में रोजे की तलकीन ठीक है, पर अक्सर देखा यह जाता है कि जिन पर रोजे फर्ज है वो तो नहीं रखते पर बच्चों को रोजे की ताकीद करते रहते हैं। मौजूदा हालात में मुसलमानों की कैफियत की यह भी एक अहम वजह है, हम में दीनी शऊर न के बराबर है। किसी तरह जज्बा, किसी तरह का शौक इल्म को हासिल करने के लिए, तारीख इस्लाम को समझने का, सहाबा की जिंदगी, इनके इनकलाब पहलू को समझने के कुछ भी मालूम नहीं, और इनके पास मोबाइल से फुर्सत हो तो सहाबा की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, या फिर मुजाहिदीन इस्लाम की किताबें या तारीख पढ़ने की कोशिश, शायद ही किसी ने किताब पढ़ी हुआ। हम अक्सर कहते हैं कि दुनिया भर में मुसलमान जलो खार हो रहे, मारा पीटा जा रहा है, सवाल तो यह भी उठता है कि क्यों ना हम पीटे जाए? आखिर कौन सा ऐसा मुजाहिदा कर रहे हो जिसमें आसमान से तुम पर फरिश्ते रहमत नाजिल करें? अगर कुछ लोग नमाज भी अदा कर रहे हैं तो सभी को मालूम है कि इन नमाजियों की कैफियत क्या है, पर इतना जरूर है कि बेचारे कुछ तो पढ़ भी रहे हैं, कुछ रोजे रख भी रहे हैं, पर बड़ा तबका रमजान के महीने में भी अपनी पुरानी रविश से बाज नहीं आता, इसका मतलब क्या है? पहले हमने देखा है जो बुजुर्ग भी होते थे तो पहले आश्रय में और आखिरी आश्रय के रोजे रखा करते थे, अब तो बीमारियां भी इतनी ज्यादा हो गई हैं जो बुजुर्ग कहीं बुजुर्ग नहीं रखा करते, पर नौजवानों को कौन सी मौत आ रही है जो अल्लाह की नाफरमानी करते डर नहीं लगता? इनके चेहरे और इनका रवैया देखो, बिल्कुल बेशर्म और बेखौफ जैसा, रोजा ना रखना भी है तो बड़ा बहादुरी का काम किया हुआ ऐसा इनके चेहरे से मालूम होता है। महज तीसरा रोजा है तो कई हट्टे कट्टे लोग होटलों में देखे जा रहे हैं, पहले के दिनों में होटल बंद हुआ करते थे पर अब तो रमजान में ही होटलों का कारोबार बढ़ जाता है, बहाने भी अजीब है। अगर रमजान में कपड़े खरीदने हैं या रमजान का बाजार खरीदना है तो पूरे घर के लोग उस दिन रोजा नहीं रखेंगे क्योंकि कपड़े के बहाने होटल में खाना खा कर आना है, मतलब एक फरीजे को फरामोश करने का एहसास
बिल्कुल आज के मुसलमानों में निकलता जा रहा है। और यकीनन जब कौम सरकश होने लगती है तो अल्लाह के फैसले भी उस पर उसी तरह के नाजिल होने लगते हैं। मोदी तो अपना काम कर रहा है और वो अपने काम पर कायम है, वो अपने मौकूफ पर कायम है, पर तुम अल्लाह का जो हुक्म है इस पर कहां अमल कर रहे हो, कहां अमल पैरा हो रहे हैं? जब दोनों जहानों के बादशाह की नाफरमानी नहीं करोगे तो हालात यही रोनुमा होंगे जो फिलहाल हुए हैं। कहते हैं जो शख्स अल्लाह की गुलामी से निकल जाता है तो दुनिया की हर मखलूक के सामने उसे झुकना पड़ता है। इतना जरूरी है अब रोजे नमाज की कदर कीमत ही मालूम नहीं तो फिर खैर के फैसले कैसे होंगे? लिहाजा मुसलमानों के हालात के लिए कुछ हद तक नहीं मुकम्मल तौर पर मुसलमान ही जिम्मेदार हैं। और जब हम देख रहे हैं कि नौजवान तंदुरुस्त होने के बावजूद भी बिला किसी उज्र के मुसलमानों का एक बड़ा तबका बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए सड़कों पर होटलों में बेखौफ होकर रमजान की तौहीन करता है तो समझ लो कि इस कौम का पीटना जरूरी हो जाता है। हालात तुम पर जरूर आएंगे, फिर तुम कितनी ही दुआएं मांगते रहो कबूल नहीं होंगी। कल लोकसभा जमीन इंतखाबात के चुनाव होने हैं, पूरी रियासत में तवज्जो का मरकज बना बेलगाम लोकसभा। अब कौन जीतता है इस पर भी सभी की नजरें। भाजपा और कांग्रेस की जानिब से तकरीबन सभी दिग्गज लीडरों ने बेलगाम में हाजिरी लगाई। यहां तक के एमबीएस के शुभम शेड़के के लिए शिवसेना की तरफ से संजय राउत और भाजपा की जानिब से साबिक वजीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने भी बेलगाम शहर में हाजिरी लगाया। आखिर कौन जीत दर्ज करेगा, इसलिए 2 तारीख तक का इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन कल इतवार को वोटिंग भी किस कदर तेज होती है, धीमी होती है, यह भी मायने रखता है। जाहिर है तकरीबन 3.5 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम वोट है जिसका कांग्रेस के हक में गिरना तय माना जाता है। पर रमजान में क्या आवाम घर से बाहर निकलेगी, ये भी अहम है। वही देहात में कांग्रेस का वोट बैंक काफी अच्छा है, खासकर गोकाक, बैलोंगल, एमकनमढ़ी, बेलगाम उत्तर और दक्षिण का कुछ हिस्सा जहां कांग्रेस की पकड़ है। इसी तरह से रामधुर, बेलगाम दक्षिण का कुछ हिस्सा, सोनभद्र, रामधुर में भाजपा की पकड़ ठीक है। हालात बदलते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए माहौल ठीक लग रहा है पर आवाम का मूड कब क्या होता है कह नहीं सकते। लिहाजा मराठी वोटों की तकसीम भी मायने रखती है, इसका फायदा भी यकीनन कांग्रेस को हो सकता है। कल सुबह से शाम तक वोटिंग होगी, कुल 2,570 के करीब वोटिंग बूथ होंगे जिसमें 11,300 के करीब सरकारी मौकमा के अफराद अपने खदमात अंजाम देंगे। कोरोना के मद्देनजर थर्मल स्कैनिंग भी किया जाएगा। बेलगाम लोकसभा में कुल 18 लाख से भी ज्यादा वोटर्स हैं, अब कितने फीसद वोटिंग होती है ये भी अहम। कोरोना को लेकर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। उत्तर भारत में तो लाशों के ढेर लगे हुए हैं। वही योगी के लखनऊ में शमशान घाट की कमी को महसूस करते हुए पार्कों को शमशान घाट बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखें, यह लखनऊ का गुलाल घाट पार्क है जो शमशान में तब्दील हो गया। पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। अहमदाबाद का वो अस्पताल जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसके सामने 70 से भी ज्यादा एम्बुलेंस गाड़ियां मरीजों से भरी इंतजार कर रही है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वही दूसरी ओर कुंभ में 45 लाख लोगों का शाही स्नान में शरीक होना पूरे भारत को मुसीबत में डालने की बात वैज्ञानिकों की जानिब से कही जा रही है। चुनावी रैलियां आज भी जारी रही है। बंगाल में अगले 4 फेज में जो चुनाव होने वाले हैं इन्हें रद्द करने की मांग करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर महज एक ही दिन में चुनाव मुकम्मल किया जाए, पर चुनाव आयोग ने इसे रद्द किया और प्रधानमंत्री इस कोरोना के दौर में भी 6 अवामी इजलास को मुखातिब होंगे जिसमें हजारों की भीड़ जमा होने वाली है। यानी चुनाव हर हाल में होना है, भले ही देश को शमशान घाट क्यों ना बनाया जाए, यही सरकार का नारा है। बेलगाम में भी कोरोना मरीजों की वारदातों में इजाफा होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन को बेलगाम जिला अस्पताल में रोक दिया गया है। बेलगाम जिला अस्पताल में वैक्सीन की कमी से आवाम को काफी मुश्किलों का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जनवरी से बेलगाम में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का टीका दिया जा रहा था, अब जब दूसरी लहर का कहर आवाम देख रही है तो अस्पताल जाकर टीका लगवाने वालों की काफी भीड़ हो रही है, पर अचानक वैक्सीन न होने की वजह से वैक्सीनेशन को रोक दिया गया। खैर हर जगह पर किसी ना किसी बात को लेकर कतार में खड़े रहने की आदत हमें पड़ चुकी है। यहां तक कि मरीज को दाखिल करने से लेकर लाशों को जलाने के लिए भी कतार में खड़ा कर दिया गया है। नोटबंदी से कतार में खड़े होने का जो सिलसिला जारी है अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं आने वाले दिनों में और कहां कहां कतार लगाना पड़ेगा। खैर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।